उज्जैन में महाकाल की शाही सवारी का नाम बदलने की चर्चाओं के बीच शाही शब्द को लेकर एक और विवाद शुरू हो गया है। अब संत समाज ने कुंभ मेले के दौरान होने वाले शाही स्नान का नाम बदलने की मांग तेज कर दी है। संत समाज का कहना है कि शाही शब्द इस्लामिक और मुगलकालीन प्रतीक है जिसे बदलने की जरूरत है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज ने कहा कि 13 अखाड़ों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा के बाद शाही स्नान का नाम बदलने पर विचार किया जाएगा। संत शाही स्नान की जगह अमृत स्नान या दिव्य स्नान नाम रखने की मांग कर रहे हैं। शब्द यदि रख दिया जाए तो फिर उसमें भगवत्ता का लोप हो जाता है, उसमें साधुता का लोप हो जाता है। शाही शब्द रख दिया जाए तो उसमें भी जो है भगवत्ता का और इसका लोप हो रहा है। तो इसे जो है भगवत यात्रा, भगवान को समर्पित कोई यात्रा, ऐसा कोई दिव्य यात्रा या दिव्य शोभा यात्रा, इस तरह का कोई भी नाम दिया जा सकता है कि जिस जगह पे जिसका शासन होता है उसकी भाषा उसकी सरकारी कार्यप्रणाली में आ जाती है, शासकीय कार्यप्रणाली में आ जाती है। यही भारतवर्ष के साथ हुआ। मध्यकाल के अंदर आक्रांताओं का कुछ जगहों पर इस तरीके से प्रभाव पड़ा क्यों उनकी भाषा की व्यापकता हमारे दैनिक जीवन के अंदर आ गई। और अब चूंकि वो युग बीत गया तो हमें हमारे मूल स्वरूप की तरफ लौटना चाहिए। शाही शब्द एक इस्लामिक शब्द है और मुगल आक्रांताओं के द्वारा प्रेषित है। सनातन धर्म में ऐसा कोई भी आक्रांताओं के शब्दों का प्रयोग ना हो और प्राचीन परंपरा हमारी बनी रहे, इसलिए शाही शब्द हटना चाहिए और राजसी ही होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धार्मिक स्थल पर हो, बाबा महाकाल का हो। अलग अलग भक्त लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, इसका नाम प्रमुख सवारी भी है या राजा महाराजा के समान बाबा जब तैयार होते हैं तो पुराने समय में शाही सवारी के नाम से भी लोग जानते हैं। किंतु देखा जाए तो बाबा का जो राज जो स्वरूप है राज स्वरूप है, इसलिए राज स्वरूप के नाम से भी राजश्री के नाम से भी बाबा की सवारी का नाम दिया गया है। अजय पटवा हमारे सहयोगी उज्जैन से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अजय, लग रहा है कि जो शाही शब्द को लेकर जो विवाद शुरू हुआ था अब वो फिलहाल थमेगा नहीं। ये देखिए 2028 में उज्जैन में सिंहस्थ का मेला लगना है, लेकिन इससे पहले प्रयागराज में 2025 में भी कुंभ का मेला लगने जा रहा है। लेकिन अब अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है कि जैसे महाकाल की सवारी का जो मुख्यमंत्री ने नाम परिवर्तन किया है, पहले शाही सवारी कहा जाता था उसको राजसी सवारी किया गया है। तो भाई अब कहीं ना कहीं 13 अखाड़ों के संतों के साथ बैठक करके इसका जो शाही स्नान होते थे उनका नाम को भी परिवर्तन करने की चर्चा की जाएगी और जल्द ही इसमें बदलाव देखने को मिलेगा। वहीं अखाड़े परिषद के जो महामंडलेश्वर हैं अतुलेशानंद सरस्वती जी हैं, जैसे सुमनानंद जी महाराज हो या शैलेशानंद जी महाराज हो, ऐसे तमाम जो महामंडलेश्वर हैं वो भी अब इस बात को मांग उठा रहे हैं कि मुगल शासक समय के जो नाम चले आ रहे हैं शाही नाम से उनको बदलने की जरूरत है, क्योंकि सनातन धर्म में जो हिंदू रीति रिवाज वाले जो नाम होना चाहिए उसी नाम को लेकर अब मांग उठने लगी है। तो कहीं ना कहीं अब देखने को मिलेगा कि जैसे महाकाल की शाही सवारी का नाम परिवर्तन करके राशि सवारी किया गया है, तो कहीं ना अब जो आने वाले समय में जो कुंभ के मेले और जो सिंहस्थ का मेला आ रहा है तो उसमें देखने को मिलेगा कि जो शाही स्नान किया जाता था वो अब दिव्य या भव्य या अन्य नामों से उस स्नान को कहा जाएगा। तो अब ये 13 अखाड़ों की बैठक के बाद ये नाम तय किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया अजय पटवा आपका इस पूरी बातचीत के लिए। भोपाल की सरोजनी नायडू स्कूल की छात्राओं ने कई मांगों को लेकर जमकर हंगामा किया है। सैकड़ों की संख्या में छात्राओं ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रबंधन पर कई गंभीर आरोप लगाए। छात्रों का आरोप है कि स्कूल में उनसे साफ सफाई करवाई जाती है, कचरा बीनने के लिए कहा जाता है। छात्राओं का कहना है कि 5-5 मिनट लेट आने पर भी उन्हें पनिशमेंट दी जाती है। इसके अलावा छात्राओं ने स्कूल में अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं होने का भी आरोप लगाया। राजधानी भोपाल के सरोजनी नायडू स्कूल के बच्चे जो है वो सड़कों पर कर आए हैं, हंगामा कर रहे हैं। किन मांगों को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं हम बात करते हैं। क्या मांग है जिसको लेकर आप लोग आए? हमारी मांग इतनी है कि लेट आने पर हमारी बेइज्जती होती है। 5 मिनट लेट थे, 1.5 घंटे समय धूप में खड़ा किया गया है यहाँ, और रोज कल भी लेट हुए थे तो घोड़ा बना के लड़कियों की वीडियो बना के पब्लिक पे पोस्ट की गई थी। रोज का यही नाटक है और रोज गंदे
गंदी बातें बोलते हैं हमें मेंटली मेंटली वो कर रहे हैं। स्कूल का टाइमिंग गलत है, 10 से 5 है, 8 से 12 करो, 8 से 12 12:30 को छुट्टी हो जानी चाहिए क्योंकि वर्षा मैडम को निकलना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो छात्राएं जो है वो सड़क पर उतर आई है, स्कूल से बाहर निकल आई है और साफ तौर पर मांग कर रही है कि स्कूल में उनको पनिशमेंट के तौर पर स्कूल की सफाई कराई जाती है। इस तरह का जो आरोप है छात्राओं के द्वारा लगाया जा रहा है, हालांकि मौके की नजाकत देखते हुए पुलिसकर्मी भी यहां पर आकर पहुंचे हुए और अब जो बच्चे हैं वो धीरे धीरे करके कॉलेज स्कूल से जो बाहर आ गए हैं और यहां पर सड़क पर जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। सीधे तौर पर उनकी ये मांग है कि उनकी मांगें पूरी की जानी चाहिए और जो दोषी जो टीचर्स हैं उन पर जो है वो कार्रवाई की मांग जो है वो यहाँ पर जो बच्चे यहाँ कर रहे हैं। आप देख सकते हो तस्वीरों में जिस तरीके से जो सभी छात्राएं हैं वो अब यहाँ पर आए और उनको रोकने के लिए पुलिस भी यहाँ पर पहुँची हुई है और जो सभी बच्चे अब सड़कों पर नजर आ रहे हैं और निश्चित तौर पर से समझा सकता है कि आखिर बच्चे कितने परेशान रहे होंगे लंबे समय से। उसके बाद जो है आज उन्हें अपनी बातें मंगवाने के लिए मांगे मनवाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा है। वहीं छात्राओं के हंगामे पर स्कूल पहुंचे अधिकारी, हंगामा देख राज्य शिक्षा केंद्र डायरेक्टर स्कूल पहुंचे। राज्य शिक्षा अधिकारी ने छात्राओं टीचर से बात की, अधिकारी ने शिक्षिका वर्षा झा को अवकाश पर भेज दिया, अनिश्चितकालीन छुट्टी पर भेजा गया है टीचर वर्षा झा को। छात्राओं की नाराजगी को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। इंदौर में एसएएफ के 2 जवानों ने एक लड़के और एक लड़की से जबरन 2,000 रुपए की वसूली की। दोनों ही लोगों ने उन्हें डरा धमकाकर उनसे 2,000 रुपए ट्रांसफर करवा लिए। बताया जा रहा है कि एसएएफ के दोनों ही जवानों ने लड़के और लड़की का पीछा किया और पीछा करते करते होटल तक पहुंच गए जहां उन्होंने जबरन उन दोनों से वसूली की। होटल में लगे सीसीटीवी में एसएएफ के जवानों का पैसे ट्रांसफर करवाते वीडियो वायरल हो रहा है। इस मामले में होटल के मालिक और लड़के और लड़की ने खजराना थाने में शिकायत दर्ज कराई है। अशोकनगर जिले में महज 24 साल के एक युवक की हार्ट अटैक से मौत का मामला सामने आया है। मामला अशोकनगर जिले के चंदेरी क्षेत्र का है जहां बाइक रिपेयरिंग की दुकान चलाने वाले 24 साल के शाहरुख मिर्जा को अचानक घबराहट हुई जिसके बाद वो डॉक्टर से दिखाने अस्पताल पहुंचा जहां बेंच पर बैठे बैठे चंद मिनट में चक्कर खाकर नीचे गिर पड़ा और उसकी मौके पर मौत हो गई। तो शाहरुख यहां पर डॉक्टर को दिखाने के लिए पहुंचा था और देखिए बैठे बैठे इंतजार करते करते ही अचानक से उसकी मौत हो गई और वो जमीन पर गिर पड़ा। निवाड़ी में रील बनाने की सनक ने बदमाश को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। जिले के सिमरा थाना क्षेत्र से एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बदमाश देसी कट्टे से ताबड़तोड़ फायरिंग करते दिखाई दे रहा था। हद तो तब हो गई जब बदमाश को कानून का खौफ नजर नहीं आया और उसने फेमस होने के लिए वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी बदमाश को कट्टे के साथ गिरफ्तार कर लिया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक नवयुवक ने एक साथी के साथ में खड़ा हुआ और एक कट्टे से फायर दिखा करता हुआ दिखाई दिया था और उसमें विभिन्न ग्रुपों में ये होता हुआ पुलिस के पास भी आया तो इससे पता चला कि ये वहाँ का पासी गांव है, उसका नवयुवक है जिसको हम लोगों ने तत्काल पतारसी करके इसको हिरासत में लिया, इससे पूछताछ की और जो हथियार था वो भी जब्त किया।
भोपाल के स्टेट म्यूजियम में हुई चोरी का खुलासा हो गया है। पुलिस ने चोर को भी गिरफ्तार कर लिया, जबकि करोड़ों का सामान भी बरामद कर लिया गया है। राजधानी के प्रसिद्ध स्टेट म्यूजियम में बड़ी चोरी की घटना सामने आई है। यहां गुप्त काल से सल्तनत काल तक के करोड़ों रुपए के सिक्के, गहने और बर्तन चोरी हुए थे। हालांकि म्यूजियम में तैनात होमगार्ड्स और प्राइवेट गार्ड्स ने जब सर्चिंग शुरू की तो म्यूजियम के पास ही एक युवक बेहोशी की हालत में मिला, जिसके पास एक बड़ा सा बैग पड़ा मिला। गुना में क्लर्क को बंधक बनाकर मारपीट मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है, जहां पुलिस ने तीन आरोपियों पर मामला दर्ज किया है। आरोपियों ने हाथ पैर बांधकर शिक्षा विभाग के क्लर्क से मारपीट की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों पर मामला दर्ज कर लिया है। पूरा मामला मृगवास थाना क्षेत्र का है। भोपाल के 11 मील इलाके में एक चलती सिटी बस में दो युवकों ने गुंडागर्दी की। फिल्मी स्टाइल में दोनों ही बदमाश पहले बस में चढ़े और ड्राइवर को लात घूंसों से पीटने लगे। इससे ड्राइवर को गंभीर चोटें आई हैं। बदमाशों ने ड्राइवर को बचाने आए यात्रियों को भी धमकाया। पूरी घटना बस में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। शहडोल में हुए एक भीषण सड़क हादसे में 20 लोग घायल हो गए। हादसा सिंहपुर थाना क्षेत्र के मिठौरी के जंगल में हुआ, जहां लखनऊ से छत्तीसगढ़ जा रही यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे 20 यात्री घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। बस मजदूरों को लेकर छत्तीसगढ़ जा रही थी। खरगोन में भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है, तो वहीं दयालपुर में वेदा नदी भी उफान पर चल रही है। इस दौरान गांव वाले जान जोखिम में डालकर रपटा पार कर रहे हैं, जिसका वीडियो सामने आया है। नदी पर बड़ा पुल न होने की वजह से ग्रामीण किसान जान जोखिम में डालकर रपटा पार कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पानी का उफान देखिए, आफत की बारिश की तरफ हर तरफ ये हाल है, जहां पर जो गांव वाले हैं वो इस तरह से रास्ता पार करने को मजबूर हैं, जान जोखिम में डालने को मजबूर हैं। और लगातार न्यूज़ 18 आपसे ये अपील करता है कि देखिए, इस तरह से अपनी जान को जोखिम में मत डालिए। हादसे कहीं भी कभी भी इस तरह हो सकते हैं, और अभी जो स्थिति बनी हुई है उसे नदी नाले सब उफान पर हैं, लेकिन यहाँ पर बड़ा पुल नहीं है, गांव वालों का कहना है, और जिसकी वजह से उन्हें इस तरह से अपनी जान को खतरे में डालना पड़ रहा है। सवेरे वो उनके खेती बाड़ी मजदूर लोग जाते हैं, आम जन जाते हैं, वो किसान लोग जाते हैं, 80% किसानों के खेत नदी पार है, तो मजबूरी में उनको नदी पार करके अपने खेतों में काम करने के लिए जाना पड़ता है। कई विगत कई वर्षों से इस डैम के मतलब पुल की मांग भी की है। पिछले वर्ष भी बैलगाड़ी बह गए थे, दो व्यक्ति बह गए थे, और कई बार शासन प्रशासन से गुहार भी लगाई है बड़े पुल के लिए, लेकिन अभी तक वो पुल का कोई निराकरण नहीं हो, और जान जोखिम में डाल के लोग बाग नदी पार करते हैं। ये तस्वीर है मंदसौर जिले के नाहरगढ़ क्षेत्र की, जहां पर शिवना नदी उफान पर है, जिसके चलते प्रशासन ने यहां आवागमन बंद कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार करते दिखाई दे रहे हैं। आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं, इसके चलते एक बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। धार में लगातार बारिश की वजह से चारों तरफ पानी ही पानी देखने को मिल रहा है। जिले में कई जगह तेज बारिश हुई है, सभी जगह पर लबालब पानी आपको नजर आ रहा है। सरदारपुर के माही डैम में भी बारिश का पानी है, इसकी वजह से माही डैम के सभी 8 गेटों को खोल दिया गया है।
प्रशासन ने निचली बस्तियों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो सभी जो 8 के 8 गेट हैं वो खोल दिए गए हैं इस डैम के, और तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर ओवरफ्लो नजर आ रहा है ये पानी। खंडवा के इंदिरा सागर बांध और ओंकारेश्वर बांध के गेट खोले गए हैं। इंदिरा सागर के 12 गेट और ओंकारेश्वर बांध के 14 गेट खोले गए। नर्मदा के ऊपरी हिस्सों में हो रही बारिश और बांधों के गेट खोले जाने के बाद यहां भी गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। इंदिरा सागर के 10 गेट 1 मीटर और 2 गेट आधा मीटर खोलकर 2700 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जबकि टरबाइन से बिजली उत्पादन के लिए 1800 क्यूमिक्स पानी छोड़ा जा रहा है। तो वहीं ओंकारेश्वर बांध के 14 गेट खोलकर करीब 3000 क्यूसेक्स और बिजली उत्पादन के लिए 1900 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। बांध से पानी छोड़े जाने पर ओंकारेश्वर और निचले भाग में नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया, इसे देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता दें, कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी फिलहाल रिलीज नहीं की जाएगी। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को सर्टिफिकेशन ना होने की वजह से फिल्म की रिलीज को अभी रोक दिया गया है। हाईकोर्ट में केंद्र सरकार ने यह जवाब दिया। हाईकोर्ट ने फिल्म में उठाई गई आपत्तियों पर विचार करने के निर्देश फिल्म मेकर को दिए हैं। याचिकाकर्ता दे सकते हैं आपत्तियां। फिल्म रिलीज होने के बाद भी अगर आपत्ति होती है तो याचिकाकर्ता आ सकते हैं कोर्ट। सिख संगत ने लगाई थी फिल्म के खिलाफ याचिका, हाईकोर्ट ने याचिका का निराकरण कर दिया है। फिलहाल कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी रिलीज नहीं होगी। पवन पटेल हमारे सहयोगी जुड़ गए। पवन बताएं क्या कुछ कहा है कोर्ट ने। पूरा मामला सिख समुदाय की नाराजगी से जुड़ा है कि जो फिल्म इमरजेंसी 6 सितंबर को रिलीज होना थी उस फिल्म पर रोक लगाने की मांग की गई थी और इस पर हाईकोर्ट ने अपना अंतिम निर्णय सुना दिया है, याचिका का निराकरण कर दिया। साथ ही यह भी कहा है कि याचिकाकर्ता चाहे तो भविष्य में भी आ सकते हैं, क्योंकि अभी सर्टिफिकेट जारी नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में सरकार ने किया उसके बाद में कोर्ट ने यह निर्देश दिए हैं फिल्म को वैसे भी रिलीज नहीं हो सकती क्योंकि सर्टिफिकेट जारी नहीं हुआ। सारी आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने यह फैसला किया। बिल्कुल, आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने फैसला दिया। पवन जरा ये बताएं कि जो आज कोर्ट ने कहा है और फिलहाल जो इमरजेंसी रिलीज नहीं की जाएगी उसको लेकर क्या कुछ कहना था मेकर्स के वकील की ओर से, बचाव पक्ष ने क्या कहा। बचाव पक्ष की ओर से यही दलील दी गई कि हमारे कोई भी इसमें सिख समुदाय को नाराज करने का या उनको क्रूर दिखाने का उद्देश्य नहीं था, लेकिन कोर्ट इससे संतुष्ट नहीं हुआ। आपत्तिकर्ताओं ने स्पष्ट अपना तर्क भी रखा कि सिख समुदाय ने हमेशा ही सनातन और हिंदुओं की रक्षा के लिए काम किया है और कोरोना काल का उदाहरण दिया था। सिख समुदाय के जज ने भी कहा था कि कोरोना काल में सिख समुदाय ने भरपूर मदद की है। ऐसी स्थिति में इस तरह का चित्रण करना कहीं ना कहीं सिख समुदाय के लिए जो है आहत करने वाला है, और यही तर्क जो है सबसे आगे आया और इसी तर्क के आधार पर इस फिल्म में रोक लगाई गई है। तो अब सिख संगत के जो तरफ से याचिका लगाई गई थी और कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद क्या वो लोग संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं, क्योंकि सिख समुदाय यही मांग कर रहा था कि फिल्म पर तत्काल रोक लगाई जाए, इसे रिलीज नहीं होने दिया जाए, और कहीं ना कहीं उनकी ये मांग पूरी हुई है जिससे सिख समुदाय बेहद खुश है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि यदि फिल्मों में इस तरह के दृश्य किसी भी धर्म समुदाय को लेकर के दिखाए जाएंगे तो लोगों को आपत्ति होती है। ऐसे में ये ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि देश में जो भी लोग रहते हैं या जो भी दर्शक फिल्में देखते हैं उन पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ना चाहिए फिल्म का, ना कि निगेटिव इफेक्ट पड़ना चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका पवन इस पूरी बातचीत के लिए। और सीधे अब ये चलते हैं आपको उज्जैन, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पिता उनके अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए सैकड़ों की भीड़ आपको यहां पर दिखाई दे रही है। पूनम चंद यादव का कल निधन हो गया था और उनके अंतिम संस्कार से पहले ये शोभा यात्रा, माफ कीजिएगा, अंतिम यात्रा जो है वो निकाली जा रही है। और सीएम के पिता का अब
कुछ ही देर में अंतिम संस्कार भी होना है, उससे पहले सभी लोग उनके आखिरी दर्शन कर सके इसके लिए ये अंतिम यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पिता का कल निधन हो गया था। और अब उनके अंतिम संस्कार से पहले सभी उनका आखिरी दर्शन कर सके, उन्हें प्रणाम कर सके, इसके लिए इस अंतिम यात्रा में शामिल हो रहे हैं। करीब 100 साल के थे पूनम चंद यादव और हफ्ते भर से बीमार चल रहे थे, तो 12 बजे ये अंतिम यात्रा गीता कॉलोनी अब्दालपुरा से आसपास शुरू हुई थी और शिप्रा तट पर भूखी माता मंदिर के पास पूनम चंद यादव जी का अंतिम संस्कार होगा।